हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ने वाले हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है। सिक्स्थ और नाइन्थ क्लास दोनों के लिए अपन आज यहाँ पे समझेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अभी अपन उसके बेसिक्स डिस्कस करने वाले हैं और फर्दर क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। आज अपन बेसिक्स डिस्कस करेंगे कि ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ये एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। ये सिक्स्थ और नाइन्थ क्लास दोनों के रीजनिंग का टॉपिक है बेटा, ठीक है। ये मैथ्स का टॉपिक नहीं है, ये जो टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये अपना बेटा रीजनिंग का टॉपिक है, ठीक है। तो लोग अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इनके और समझते हैं कि ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस होता क्या है। देखो, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के अंदर सिंपल कुछ भी नहीं होता, खाली एक बोर्ड मास का आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। वो आपको ध्यान में रखना होता है, उनके साइंस आपको पता होने चाहिए कि डिवाइड का साइन क्या होता है, मल्टीप्लाई का क्या होता है, प्लस का क्या होता है, सब्ट्रैक्शन का क्या होता है, ठीक है। ये सारे साइंस जो है वो आपको बेटा उसके अंदर पता होने चाहिए, ठीक है। इसके अंदर कुछ नहीं करना होता, अपने पास में क्वेश्चंस गिवन होंगे, उनके अंदर वैल्यू बताई हुई रहेगी कि आपको x दे रखा है तो x की जगह आपको डिवाइड लगाना है, p दे रखा है तो उसकी जगह सब्ट्रैक्शन का मार्क्स लगाना है। वो सारी चीजें अपन क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा, इजी है बेटा, आपको ध्यान से देखना इसको। देखो, अपन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बेटा बोर्ड मास का फार्मूला, ठीक है। बोर्ड मास का फार्मूला बेटा अपने को पता होना चाहिए। देखो, बोर्ड मास का फार्मूला है इसका क्या होता है, देखो, d का मतलब तो बेटा होता है डिवाइड, d का मतलब होता है बेटा डिवाइड, m का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, m का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, a का मतलब होता है बेटा एडिशन, a का मतलब होता है बेटा एडिशन आपका, ठीक है। और s का मतलब होता है आपका सब्ट्रैक्शन, s का मतलब होगा सब्ट्रैक्शन, और ये b और होता है, इसका मतलब होता है बेटा ब्रैकेट्स ऑफ, ब्रैकेट्स ऑफ, ठीक है बेटा। तो देखो, अपन बात करते हैं ये ब्रैकेट्स ऑफ का साइन क्या होता है। ब्रैकेट्स ऑफ देखो, अपने इसको बोलते हैं अपन छोटा वाला ब्रैकेट, ठीक है। और ये जो अपना ब्रैकेट होता है ये सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है, इसके बीच में अपना एक ब्रैकेट और आता है बेटा ये वाला, ठीक है। ये अपने इससे बड़ा ब्रैकेट होता है, कहने का मतलब ये छोटा ब्रैकेट होता है, उससे बड़ा ब्रैकेट ये होता है, उससे बड़ा ब्रैकेट ये होता है, ये अपने को साइंस याद रखने होते हैं, ठीक है। अपन डिवाइड की बात करें तो देखो बेटा, डिवाइड का ये साइन होता है, हमें डिवाइड का अपने ये साइन होता है। अब बात करें मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का साइन ये एक्स होता है बेटा। इसके बाद अपन बात करें अगर एडिशन की, तो अपने एडिशन का ये साइन होता है। अब अपन बात करें सब्ट्रैक्शन की, तो सब्ट्रैक्शन का बेटा अपने ये साइन होता है, ठीक है। बोर्ड मास जो है इसको अपन बेटा पढ़ते क्यों हैं। बोर्ड मास क्या कहता है कि बोर्ड मास का रूल होता है मैथमेटिक्स के, जब भी कोई सम सॉल्व करते हैं तो उसके बोर्ड मास का उसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका मतलब है कि सबसे पहले अगर आपको कोई इक्वेशन दे रखी है तो उस इक्वेशन में अगर आपके पास में ब्रैकेट्स आ रहे हैं तो सबसे पहले बेटा आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। कोई भी क्वेश्चन है उसमें अगर ब्रैकेट दे रखा है आपको तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, ठीक है। उसके बाद में अगर डिवाइड का साइन दे रखा है तो आप उसके बाद में डिवाइड करेंगे, उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन होता है, उसके बाद में एडिशन होता है, और उसके बाद में बेटा सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। कहने का मतलब अगर कोई इक्वेशन दे रखी है, कोई क्वेश्चन दे रखा है, आपका सम है, ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले तो आप ब्रैकेट से सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आप डिवीजन का साइन सॉल्व करेंगे, उसके बाद में आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर आप एडिशन करेंगे, फिर उसके बाद में आप सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। ये सारे साइंस अपने को याद रखने होते हैं जिससे अपना जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होता बेटा, ठीक है। अब अपन देखो सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, खाली आपको इतनी सी चीज इसमें ध्यान रखनी है कि डिवाइड का साइन क्या होता है, मल्टीप्लाई का क्या होता है, एडिशन का क्या होता है, सब्ट्रैक्शन का क्या होता है, और ये ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स कैसे होते हैं, ये छोटा ब्रैकेट, ये इससे बड़ा, ये सबसे बड़ा ब्रैकेट, उससे छोटा ब्रैकेट, फिर सबसे छोटा ब्रैकेट, ऐसे होते हैं बेटा, ठीक है। तो अपन देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ एक्स स्टैंड फॉर प्लस, कि अगर आप x की जगह प्लस रख दें, डिवाइड की जगह माइनस रख दें, माइनस की जगह मल्टीप्लाई का साइन रख दें, एडिशन की जगह डिवीजन का साइन रख दें, तो क्या चीज होगी, और अपने को इसका ये इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है। मतलब मल्टीप्लिकेशन की जगह तो अपने को प्लस कर देना है, डिवाइड की जगह माइनस कर देना है, माइनस की जगह मल्टीप्लाई कर देना है, और एडिशन की जगह डिवीजन कर देना है, ठीक है बेटा। तो देखो अपन यहां पे आप देखते हैं ये 54 डिवाइड की जगह क्या दे रखा है बेटा आपको, माइनस का साइन आ गया है, देखो इनटू माइनस 16, ये देखो डिवीजन के साइन से माइनस के साइन में चेंज किया अपन, ये देखो डिवीजन के साइन से माइनस के साइन में चेंज किया। अब यहां पे अपने पास माइनस का साइन दे रखा है, माइनस के साइन को क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई, ये देखो अपन ने यहां पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है।
3 लिख दिया, 3 का 3। अब यहां पे देखा मल्टीप्लिकेशन का साइन, मल्टीप्लिकेशन के साइन को अपने को प्लस में चेंज कर देना है, ये अपन ने प्लस में कर दिया, और प्लस के साइन को अपने को डिवाइड में चेंज कर देना है, ये प्लस के साइन को अपन ने डिवाइड में चेंज कर दिया, ठीक है। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, ये चीज बोल रहा है। अब जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा था, ब्रैकेट इसने कोई अपने को दे नहीं रखा, इस बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले जैसे अपन ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट अपने को इसने कहा ब्रैकेट कहीं भी गिवन नहीं है। इसका अपन बात करते हैं डिवीजन की, मतलब सबसे पहले हम डिवाइड सॉल्व होगा। देखो ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और ये फिफ्थ स्टेप है, ठीक है। मतलब पहले नंबर पे ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सबट्रैक्शन। अपने को ब्रैकेट्स इसमें दे नहीं रखे, तो अब अपना कौन सा अपन सॉल्व करेंगे, अपन डिवीजन का वाला साइन को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो 6 / 2, 2 को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो यहां कितना आ गया, 2 3 जा 6, ठीक है। अब अपन बात करते हैं यहां पे मल्टीप्लिकेशन की। देखो डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, तो 16 4 जा कितने, 16 3 जा कितने होंगे, 48, ठीक है। ये अपना यहां पे 48 आ गया नहीं आ गया बेटा, यहां पे अपन ने लगा दिया प्लस का साइन, ये देखो, ठीक है। अपन ने सबसे पहले डिवाइड सॉल्व कर दिया, उसके बाद में अपन ने मल्टीप्लाई सॉल्व कर दिया, अब इसके बाद अपन प्लस सॉल्व करते हैं, फिर माइनस सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये देखो इसके अंदर 48 दे रखा है, ये तो माइनस का है ना बेटा, 48 जो है ये माइनस का है, ये साइन माइनस का है, तो ये 48 माइनस का हो गया। तो अब अपन सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, एडिशन। देखो डिवीजन है, डिवीजन अपन ने यहां पे सॉल्व कर दिया, देखो ये अपन ने डिवाइड सॉल्व कर दिया। इसके बाद में अपन आते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो ये अपन ने मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर दिया। अब अपन आते हैं बेटा एडिशन के ऊपर, देखो तो एडिशन में क्या आ गया, एडिशन इधर 6 डिवाइड बाय 2 किया तो 3 आ गया, प्लस का प्लस 16 * 3 48, माइनस का माइनस, और ये 54 एडिशन का। तो 54 और 9 को अगर आप प्लस कर दो तो कितने होते हैं बेटा, 57 हो गए बेटा। अब 57 में से अगर आप 48 लेस करोगे तो कितने बचेंगे, देखो आपको दोबारा समझाऊं, यहां पे 54 और 3 ये दोनों एडिशन के हैं, और अपने को अभी करना क्या है, एडिशन करना है। तो 54 में से अगर आप 3 और ऐड करते हो तो कितने हो जाएंगे, 57 हो गए। 57 में से अगर आप 8 लेस करते हो, 57 में से अगर आप 48 लेस करते हो तो आपके कितने बचेंगे, आपके बचेंगे बेटा 9। कितने बच जाएंगे, 9 बचेंगे बेटा आपके। तो ये जो 9 है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो जो 9 है वो आपका आंसर हो जाएगा। देखो इस चीज को दोबारा समझो बेटा, अभी अपन ने सबसे पहले बोर्ड मास डिस्कस किया था कि बोर्ड मास का फॉर्मूला है, सबसे पहले ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड आफ्टर दैट वी विल सॉल्व सबट्रैक्शन, ठीक है। तो देखो ब्रैकेट्स इसमें अपने को गिवन थे नहीं, डिवीजन का साइन था वो अपन ने सबसे पहले किया, फिर मल्टीप्लिकेशन किया, फिर एडिशन किया, फिर सबट्रैक्शन किया। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, x की जगह अपने को प्लस रखना है, डिवीजन की जगह सबट्रैक्शन रखना है, सबट्रैक्शन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन रखना है, और एडिशन की जगह डिवीजन का साइन रखना है, ठीक है। तो देखो अपन ने वही चीज की है, इक्वेशन ही अपने को गिवन थी, ये इक्वेशन अपने को गिवन थी बेटा। तो अपन ने क्या किया, 54 डिवीजन की जगह अपन ने सबट्रैक्शन का साइन रख दिया, 16 माइनस की जगह अपन ने देखो मल्टीप्लिकेशन का साइन रख दिया, 3 का 3 है, मल्टीप्लिकेशन की जगह एडिशन रख दिया, प्लस की जगह डिवाइड रख दिया, और इसको सॉल्व किया तो 9 अपना आंसर आ गया। ये क्वेश्चन बेटा ऐसे होगा, ठीक है। अब देखो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे बेटा अपन, ठीक है, ये देखो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हां देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ पी डिनोट्स डिवाइड, क्यू डिनोट्स मल्टीप्लाई, आर डिनोट्स प्लस, एस डिनोट्स माइनस। इक्वेशन क्या दे रखी है अपने को, इक्वेशन अपने को दे रखी है बेटा इसकी 18q 12b 18q एक सेकंड बेटा, हाँ जी 18q 12b 4r 5s और 6, इसको अपने को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर अपने को सिंपली क्या करना है,
ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इस ये जो अपने को इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन के अंदर जहां पे p होगा वहां पे अपने को डिवाइड का साइन लगाना है, जहां पे q होगा वहां पे मल्टीप्लिकेशन का साइन अपने को ऐड ऑन कर देना है, जहां पे r होगा वहां पे एडिशन का साइन लगा देना है, और जहां पे s होगा वहां पे सबट्रैक्शन का साइन लगा देना है। तो देखो बेटा अपन यहां पे सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन अपन ने किया तो देखो 18 q की जगह क्या लगाना है, तो q की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना है, q की जगह अपन ने मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया 12। p की जगह क्या लगाएंगे अपन, p की जगह डिवीजन का साइन लगाना है अपने को। देखो p की जगह डिवीजन का साइन लगा दो क्योंकि 4 एज इट इज आ गया। r की जगह क्या दे रखा है, r की जगह अपन को लगाना है एडिशन का साइन, r की जगह एडिशन का साइन लगा दो 5 एज इट इज आ गया। ये s है बेटा, s की जगह क्या लगाना है सबट्रैक्शन का साइन, ये सबट्रैक्शन लगा दिया 6 एज इट इज आ गया। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले अपन को क्या सॉल्व करना है, वही बोर्ड मास का फार्मूला लगेगा, ब्रैकेट्स इसमें देने रखे। सबसे पहले अपन क्या सॉल्व करेंगे, डिवीजन सॉल्व करेंगे। तो डिवाइड अपन ने किया 12 को डिवाइड करना है 4 से, ठीक है, तो 4 3 12 हो गया। ठीक है, इसके बाद में अपने क्या आ गया 18 एज इट इज आ गया इनटू ये प्लस का प्लस आ गया 5 माइनस 6 ये चीज होगी। 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अब अपन, देखो डिवीजन का साइन सॉल्व कर दिया, तो अब अपन बेटा मल्टीप्लिकेशन का साइन सॉल्व करेंगे। किसका सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का। तो 18 को अपन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 3 54 प्लस 5 माइनस 6, ठीक है 54। और अगर आप 5 को ऐड करते हो, 54 और 5 को आप ऐड ऑन करते हैं तो कितने होंगे बेटा, गिनो कितने हो गए, 54 और 5 को आप ऐड ऑन कर दो तो ये आपके हो गए बेटा 59 माइनस 6, ठीक है 59 माइनस 6 हो गए। अब इसमें से आपको 6 लेस कर देना है, यानी कि आपका जो आंसर है वो हो जाएगा 53, आंसर आपका हो गया बेटा 53। ठीक है, दोबारा से समझो, p है उसकी जगह आपने को डिवाइड का साइन लगा देना है, q है उसकी जगह मल्टीप्लिकेशन का लगा देना है, r है उसकी जगह प्लस का साइन लगा देना है, s है उसकी जगह माइनस का साइन लगा देना है। ठीक है, ये अपनी इक्वेशन दे रखी थी अपने को बेटा, ठीक है ये इक्वेशन थी 18q 12p 4r 5s 6। 18 q की जगह मल्टीप्लाई लगा दिया, 12 p की जगह डिवाइड लगा दिया, 4 r की जगह प्लस लगा दिया, s की जगह माइनस लगा दिया। ये देखो साइन चेंज किए नहीं किया अपने, साइन चेंज किए ना, ऐसे साइन चेंज होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले से ब्रैकेट तो दे नहीं रखा, तो ब्रैकेट तो छोड़ो। ठीक है, अब अपने को सब ब्रैकेट्स के सबसे पहले क्या था, डिवाइड का साइन। तो डिवाइड अपन ने इस वैल्यू को अगर अपन सॉल्व करते हैं तो 4 3 12 3 का 3 18 अपन ने एज इट इज रख दिया, प्लस 5 माइनस 6। इसके बाद में अपन मल्टीप्लिकेशन का साइन सॉल्व करते हैं, तो 18 3 54 प्लस 5 माइनस 6 54 प्लस 5 59 माइनस 6 53 अपना आंसर हो गया। ये इसका आंसर होगा, ये क्वेश्चन ऐसे होगा। ठीक है बेटा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको बोर्ड मास याद होना चाहिए कि सबसे पहले अपन ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद में डिवीजन सॉल्व करते हैं, उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं, उसके बाद में अपन एडिशन सॉल्व करते हैं, उसके बाद में अपन सबट्रैक्शन सॉल्व करते हैं। सिंपल बेटा, ये चीज याद रखो, आप कहीं नहीं अटकोगे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। देखो अपन आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है देखो, ठीक है बेटा अपन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइन टू रिप्लेस स्टार साइन एंड टू बैलेंस द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, देखो अपने को इसमें इक्वेशन क्या दे रखी है बेटा,
इक्वेशन दे रखी 24 स्टार 34 स्टार 2 स्टार 5 स्टार 12। देखो अब अपने को नीचे कुछ इक्वेशंस गिवन है, वो इसमें पुट कर करके पता लगाना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है बेटा, ये अपने आ गया प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई इक्वल टू। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या बोलती है अपने को, इक्वल टू डिवाइड प्लस माइनस। थर्ड इक्वेशन क्या बोलती है, इज इक्वल टू डिवाइड माइनस प्लस। फोर्थ इक्वेशन क्या बोलती है, डिवाइड सॉरी प्लस डिवाइड इज इक्वल टू और मल्टीप्लाई। ठीक है, अब अपन देखो बेटा इसको सॉल्व करते हैं, अपन क्या चीज बोल रहा है इसके अंदर, क्या करना है अपने को, क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइन टू रिप्लेस स्टार साइंस। क्या दे रखा है अपने को, ये इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन को अपने को बैलेंस करना है। ठीक है, बैलेंस का मतलब क्या होता है, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, एल एच एस क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, आर एच एस होता है राइट हैंड साइड। कहने का मतलब अगर आपके लेफ्ट हैंड साइड की आपकी वैल्यू 12 है जस्ट फॉर एग्जांपल, तो आपके राइट हैंड साइड की भी 12 होनी चाहिए, तो ये सही होगा अदरवाइज ये गलत होगा। ठीक है, तो अपने को ये जो साइंस दे रखी है इसमें अपन पुट करके देखेंगे, पुट करेंगे और पता लगाएंगे कि कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। ठीक है बेटा, ये चीज अपन इसके अंदर पता करेंगे। ठीक है, तो ये चीज देखो बेटा अपन देखते हैं, ये चीज अपन ने जैसे देखी तो ये क्या कह रहा है। देखो सबसे पहले अपन जो है फर्स्ट इक्वेशन पुट करते हैं, कौन सी फर्स्ट इक्वेशन बेटा अपन इसमें पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रही है, क्वेश्चन एक बार दोबारा समझो बेटा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइन, मतलब अपने को उस करेक्ट कॉम्बिनेशन का पता लगाना है मैथमेटिकल साइन का टू रिप्लेस स्टार साइन, स्टार साइन को रिप्लेस करने के लिए एंड बैलेंस द गिवन क्वेश्चन, और गिवन जो क्वेश्चन है उसको अपने को बेटा क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, तो देखो इसका फर्स्ट जो है, फर्स्ट अपन देखते हैं बेटा, फर्स्ट इक्वेशन अपन सॉल्व करते हैं, फर्स्ट क्या बोलता है, इक्वेशन लिख लेते हैं सबसे पहले अपन 24 स्टार 34 स्टार 2 स्टार 5 स्टार 12, ये इक्वेशन अपन ने लिख लिया बेटा। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, देखो सबसे पहले 24 ये वाला जो स्टार है इसकी जगह अपन ने लगा दिया प्लस 34, ये क्वेश्चन ये कर रहे हैं बेटा, पहले अपन इसकी जगह अपन ने लगा दिया डिवाइड, क्या लगा दिया बेटा डिवाइड 2, इस स्टार की जगह लगा दिया मल्टीप्लाई 5, और इस स्टार की जगह लगा दिया अपन ने इज इक्वल टू 12। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो बेटा सबसे पहले अपन जैसे ब्रैकेट्स हैं जैसे कोई डिवाइड सबसे पहले अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका अपन इसमें डिवाइड करते हैं, 2 को 34 से डिवाइड करते हैं, तो यहां पे आ गया अपना बेटा सबसे पहले 70, कितना आ गया 2 को 34 से डिवाइड किया तो ये आ गया 70। ठीक है, इनटू 5 इज इक्वल्स टू 12 प्लस 24। ठीक है, अब अपन ने ये कर दिया, और अपन इसके बाद में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, अपन क्या चीज करेंगे बेटा मल्टीप्लाई, ये देखो मल्टीप्लाई करेंगे अपन, ठीक है, तो अपन देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 का 95 इज इक्वल टू 12। सॉरी बेटा, देखो 75 का 75 हो गया। ठीक है, तो ये चीज अपन ने कर ली यहां पे, इसके बाद में क्या करेंगे 12 हो गया यहाँ पे। अब आगे देखो इसको सॉल्व करते हैं अपन, ये देखो कुल मिलाकर अगर अपन बेटा इसको ऐड ऑन नहीं कर रहे हैं, ऐड भी करेंगे तो देखो ये जो इक्वेशन है ये इसमें फिट नहीं होती है, क्योंकि इसको अपन ऐड कर देंगे तो अपने देखो बेटा ये 100 से प्लस जाएगा, 100 से प्लस जाएगा तो अपनी ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन बेटा अपनी गलत हो जाती है, यानी कि ये इक्वेशन इसमें सही नहीं आएगा। ठीक है, अब अपन देखो दूसरी इक्वेशन ऐड ऑन करते हैं, अपन ले लेते हैं थर्ड इक्वेशन लेते हैं बेटा, जैसे अपन थर्ड इक्वेशन अपन लेते हैं इसकी 24 स्टार 34 स्टार 2 स्टार
5 स्टार 12, ठीक है। तो देखो 24 इज इक्वल टू, हाँ इक्वल टू का साइन ही है 34, इसके बाद में क्या है डिवाइड 2, इसके बाद में क्या साइन है माइनस 5, इसके बाद में प्लस 12, ठीक है। तो 24 इज इक्वल टू, इसको अपन ने डिवाइड किया, डिवाइड करने पे ये अपने पास में कितना आ गया, ये अपने पास में 70 माइनस 5 प्लस 12 24, ठीक है बेटा। 24 में से अगर अपन प्लस करते हैं कितने 24 7 और 2 कितना हो गया 9, एक 29 माइनस 5, ठीक है। तो अपने यहाँ पे कितना रहेगा 24 इज इक्वल टू 24, ठीक है। LHS इज इक्वल टू RHS, ये अपने रह गया बेटा यहाँ पे। तो मैंने भी आपको LHS RHS वाले से बताया था। तो देखो अपन ने फर्स्ट इक्वेशन अपन इसमें पुट करके देखे साइंस को, अपना आंसर गलत आया, ठीक है। LHS was not is equals to RHS। अपन ने फिर थर्ड इक्वेशन पुट करी तो देखो एज इट इज अपन ने ये पुट करा है यहां पे, तो अपना आंसर है 24 is equals to 24 आ गया। कहने का मतलब थर्ड इक्वेशन यहां पे राइट है। ऐसे ही अपने को बेटा सारे जो है सब इसमें पुट करके देखने होंगे, जब अपने को पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन राइट है और कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग है बेटा, ठीक है। अब अपन देखो दूसरा और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अपन दूसरा क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ 9 इनटू 5 इनटू 2 इज इक्वल टू 529 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 724, देन 3 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 4 ये 8 होगा, यहाँ पे 8 इज इक्वल टू क्या होगा, ऑप्शंस गिवन है इसके अपने को, फर्स्ट ऑप्शन तो है 983, सेकंड ऑप्शन है 839, थर्ड ऑप्शन है 989, फोर्थ ऑप्शन है 893, ठीक है। ये अपने पास में इसके ऑप्शंस गिवन है बेटा, देखो तो इसके अंदर देखो इन्होंने क्या चीज की है वो चीज समझना आपको। ये जो 9 दे रखा है यहाँ पे क्या करना है, देखो इसमें क्वेश्चन है अपने को पता लगाना है कि अपने इसको जगह मल्टीप्लाई करे या कुछ जो भी अपन ने ट्रिक लगाई, तो यहाँ पे 529 कैसे आया, यहाँ पे 724 कैसे आया और यहाँ पे क्या आएगा, ये चीज अपने को इसमें पता लगानी है, ठीक है। तो ये जो 9 है, 9 देखो यहाँ पे लास्ट में चला गया, ये जो 9 दे रखा है ये यहाँ पे इधर कितने नंबर पे गया, थर्ड नंबर पे चला गया। 5 यहाँ पे कितने नंबर पे गया, फर्स्ट नंबर पे। 2 यहाँ पे कितने नंबर पे गया, सेकंड नंबर पे। यानी कि इस इक्वेशन की फर्स्ट डिजिट है वो लास्ट बन गई, सेकंड डिजिट फर्स्ट बन गई और जो थर्ड डिजिट है वो सेकंड नंबर पे आ गई। अब ऐसा ही ऐसे यहाँ देखते हैं अपन, तो इसके अंदर क्या दे रखा है, फर्स्ट डिजिट है वो देखो ये थर्ड नंबर पे आ गई तो ये थर्ड बन गया, 7 कितने पे आ गया, फर्स्ट नंबर पे तो ये फर्स्ट बन गया, और 2 कितने पे आ गया, सेकंड नंबर पे तो ये सेकंड बन गया, ठीक है। तो देखो भाई सेम है, यहाँ पे फर्स्ट डिजिट है वो थर्ड बन गई, यहाँ पे भी फर्स्ट डिजिट थर्ड नंबर पे आ गई, यहाँ पे सेकंड डिजिट फर्स्ट नंबर पे आ गई, यहाँ पे भी सेकंड डिजिट फर्स्ट नंबर पे आ गई, यहाँ पे थर्ड डिजिट सेकंड नंबर पे आ गई, यहाँ पे थर्ड डिजिट सेकंड नंबर पे आ गई। तो वही चीज अपने को यहाँ पे करनी है, फर्स्ट डिजिट जो है उसको अपने को थर्ड बना देना है, फर्स्ट डिजिट को अपन ने थर्ड बना दिया, नाइन्थ डिजिट है सॉरी जो सेकंड डिजिट है उसको अपन ने फर्स्ट बना दिया, ठीक है, और जो थर्ड डिजिट है उसको अपन ने सेकंड बना दिया, तो अपना आंसर कितना हो गया बेटा 983, ये अपना आंसर हो गया। दोबारा से समझो, फर्स्ट डिजिट को यहाँ पे थर्ड नंबर पे लिखा, सेकंड डिजिट को यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है और यहाँ पे थर्ड डिजिट को सेकंड नंबर पे लिखा है, यहाँ पे फर्स्ट डिजिट को थर्ड नंबर पे, सेकंड डिजिट को फर्स्ट नंबर पे और थर्ड डिजिट को सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है, ये देखो
तो वही सेम चीज अपन यहां करेंगे, फर्स्ट डिजिट को लिख देंगे थर्ड नंबर पे, ठीक है, फर्स्ट डिजिट को अपन ने लिख दिया थर्ड नंबर पे, सेकंड डिजिट को अपन ने लिख दिया फर्स्ट नंबर पे, और जो थर्ड डिजिट है उसको अपन ने लिख दिया सेकंड नंबर पे, तो अपना 983 है वो अपना आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन तो हो गया ऐसे। अब देखो वही सेम, देखो सारी चीज, इससे थोड़ा सा अलग था ये। अब देखो आगे और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। ये तो क्वेश्चन नंबर हो गई बेटा फोर्थ की बात, ठीक है। अब अपन करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सॉल्व। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सॉल्व करेंगे अब अपन। Which of the following intersect which of the following interchange of signs wants make given question correct, ठीक है। अपने को इक्वेशन क्या दे रखी है बच्चा, देखो 5 + 6 / 3 - 12 × 2 = 17, ठीक है। ये अपने को दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन है, डिवाइड की जगह कर देना है आपको मल्टीप्लाई, सेकंड ऑप्शन गिवन है बच्चा प्लस की जगह कर देना है मल्टीप्लाई, थर्ड ऑप्शन गिवन है प्लस की जगह कर देना है डिवाइड, फोर्थ ऑप्शन गिवन है बच्चा डिवाइड की जगह कर देना है माइनस, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंटरचेंज ऑफ साइंस वांट्स मेक गिवन क्वेश्चन करेक्ट, कि इनमें से कौन से ऐसे साइंस हैं जिनको अपन जब इंटरचेंज करेंगे तो ये इक्वेशन करेक्ट हो जाएगी, यानी कि LHS will equal to RHS in which case explain this, ये ऐसे बोल रहा है, ठीक है बेटा। अपने को एक्सप्लेन करना है कि LHS RHS के इक्वल कब होगा, अपन कौन सी इक्वेशन इसमें पुट करें कि वो सही हो जाए। तो देखो बेटा अपन ट्राई करते हैं, अपन सॉल्व करते हैं इसको। अब अपन सबसे पहले करेंगे बेटा फर्स्ट इक्वेशन को पुट इसमें, ठीक है। अपन ऐसे फर्स्ट इक्वेशन पुट करते हैं बेटा, फर्स्ट इक्वेशन अपन पुट करके देखते हैं, देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका अपन, ठीक है। सॉल्यूशन अपन ठीक है, तो इक्वेशन क्या दे रखी है, सबसे पहले 5 + 6 / 3 - 12 × 2 = 17, ठीक है। अपन फर्स्ट पुट करके देख रहे हैं बेटा, तो 5 + 6 डिवाइड की जगह क्या करना है मल्टीप्लाई, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई माइनस 12, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड 2 = 17। तो वही देखो सबसे पहले बोर्ड मास का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे अपन डिवीजन सॉल्व करेंगे, 2 को 12 में डिवाइड किया 6 टाइम किया माइनस 6 3 जा 18 प्लस 5, ठीक है बेटा। अब इसके बाद में अपन देखो डिवीजन का सॉल्व कर लिया, मल्टीप्लिकेशन का सॉल्व कर लिया, अब अपन करेंगे बेटा एडिशन सॉल्व। क्या चीज सॉल्व करेंगे, एडिशन। एडिशन में क्या करेंगे अपन, सबसे पहले 18 और 5 को ऐड कर देंगे, 18 और 5 23 माइनस 6, ठीक है बेटा। 23 और इसमें से 6 लेस होगा तो यहाँ कितना रह जाएगा, इधर देखो 17 आ रहा है साथ के साथ में, ठीक है, यहाँ पे रह जाएगा अपने 17, यानी कि LHS is equal to RHS बेटा, ठीक है। ये देखो अपन ये फर्स्ट इक्वेशन है यही करेक्ट होगी बेटा, अपने को यहाँ पे दूसरी इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कहने का मतलब क्या था आपको, लेकिन सारी इक्वेशंस सॉल्व करनी है बेटा, ठीक है। आपको पुट करके देखना है जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी कौन सा सही निकलता है कौन सा गलत निकलता है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बोल रही थी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंटरचेंज ऑफ साइंस वांट्स मेक्स गिवन क्वेश्चन करेक्ट,
कि ऐसा कौन सा इंटरचेंज साइंस अपन करें कि डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर दिया, या प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई की जगह प्लस कर दिया। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा यहां पे पुट करें कि LHS RHS के इक्वल हो जाए, यानी इधर राइट हैंड साइड पे 17 है तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी 17 आ जाए। ठीक है, तो अपन ने फर्स्ट ऑप्शन जैसे ही अप्लाई किया अपना आंसर करेक्ट हो गया। अपन ने इक्वेशन लिखी सबसे पहले, फिर अपन ने क्या किया 5 प्लस 6 डिवाइड को अपन ने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया इनटू 3 माइनस 12 और मल्टीप्लाई को क्या कर दिया यहां पे डिवाइड में चेंज कर दिया 2 इज इक्वल टू 17। तो अपन ने इसको सॉल्व किया तो 2 को 12 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 6 आ गया, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 18 आ गया, प्लस 5 माइनस 6 ये रह गया। तो 18 प्लस 5 23 माइनस 6 इज इक्वल टू 17। तो यहां पे 23 में से 6 लेस करेंगे तो 17 इज इक्वल टू 17, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। तो अपना बेटा ये आंसर जो है वो सही हो जाता है। ठीक है बेटा, अब अपन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन एक और देखते हैं बेटा। आपको देखो बेटा सारे जो क्वेश्चंस हैं सब इजी इजी क्वेश्चंस हैं, ऐसा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, खाली आपको साइंस को समझना है और उसको सही जगह पे पुट करना है बेटा। साइन को समझ के आपको उसको सही जगह पुट करना है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 अपन देखते हैं बेटा क्या कह रहा है। इफ प्लस मींस माइनस, माइनस मींस मल्टीप्लाई, डिवाइड मींस प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन मींस डिवाइड। ठीक है, देन हमने क्या करना है इसकी जगह इक्वेशन दे रखी 10 इनटू 5 डिवाइड बाय 3 माइनस 2 प्लस 3 फाइंड आउट। ये चीज अपने को सिर्फ फाइंड आउट करनी है। ऑप्शंस भी गिवन है बेटा इसके अंदर, अपने को ऑप्शंस क्या दे रखे हैं 5, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 53/3, 21/21/36, ये अपने को बेटा इसके अंदर ऑप्शंस गिवन है। तो देखो इसके अंदर सबसे पहले अपने को क्या करना है, हां इसके अंदर अपन देखो सबसे पहले एक चीज करते हैं अपन, ये देखो अपने को पहला ऑप्शन गिवन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और दिस इज द इक्वेशन बेटा, ये अपने इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, तो अपने को पता लगाना है कि LHS RHS के कब इक्वल होगा और इनमें से कौन सा आंसर आएगा। ठीक है, कहने का मतलब इसको अपन जब सॉल्व करेंगे तो ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है, कौन सा इसका आंसर आएगा सॉल्व करते हैं। आओ बेटा देखो सबसे पहले अपन फर्स्ट इक्वेशन पुट करते हैं इसके अंदर, 10 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, 5 डिवाइड का डिवाइड, 3 माइनस 2 प्लस की जगह क्या रखना है यहाँ पे माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आता है। ठीक है, 10 इंटू 5 सॉरी 5 का देखो इसके अंदर डिवाइड होगा नहीं, डायरेक्ट क्या चीज नहीं होगी यहाँ पे डिवाइड नहीं होगी, और इसको माइनस की जगह यहाँ पे सॉरी प्लस कर देना है बेटा आपने, है ना। तो ये चीज हो गई। तो देखो ये एक तरीके से इक्वेशन ही गलत बन रही है बेटा, अगर आप इसको यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो प्रॉपर यहाँ पर डिवाइड ही नहीं होगा, क्या चीज़ नहीं होगी यहाँ पर डिवाइड ही नहीं होगा। ठीक है, इधर देखो ये इसमें पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है नहीं जा रहा है, यानी कि ये पहली इक्वेशन अपन यहाँ पर यही पता चल गई कि ये गलत हो जाएगी बेटा, पहली इक्वेशन यही पता चल गई। ठीक है, अब अपन जैसे डायरेक्ट यहाँ से फोर्थ इक्वेशन उठा लो बेटा, एक बार फोर्थ इक्वेशन आपने उठाई तो क्या करोगे 10 मल्टीप्लाई की जगह क्या करना है बेटा यहाँ पे डिवाइड कर दो, 5 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 2 माइनस 3 क्या आता है 10 को अगर आप क्या बोलते हैं डिवाइड करते हो 5 से, 2 इंटू 3 प्लस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू पता लगाओ, 2 3 से 6 प्लस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू पता लगाओ, 6 और 2 कितने हो गए 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, ये अपना करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे जो इक्वेशन बननी थी बेटा अपनी वो पूरी एकदम प्रॉपर वे के अंदर बननी थी, जो कि पूरी बोर्ड मास रूल को फॉलो करती हुई है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट इक्वेशन अपन ने करी तो यहाँ पे पहले क्या आ गया मल्टीप्लाई फिर डिवाइड फिर प्लस फिर माइनस, मल्टीप्लीकेशन बोर्ड मास में आता है पहले नहीं आता, पहले अपने डिवाइड आता है, तो किसी भी इक्वेशन में यहाँ पे चीज नहीं आ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया इस वाले साइन को अपन ने फॉलो किया फोर्थ ऑप्शन को, तो अब एक प्रॉपर इक्वेशन बन गई पूरी एक। ठीक है, बोर्ड मास को फॉलो करती हुई डिवाइड वाला मल्टीप्लाई फिर प्लस फिर माइनस, अपन ने जब इसको सॉल्व किया तो ये अपना बेटा आंसर हो
ये अपना बेटा यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, तो बेटा ये इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन और बच रहा है बेटा, वो और कर लेते हैं अपन। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और है बेटा, वो और करते हैं, देखते हैं। देखो लेकिन सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, बोर्ड मास, वो आपको याद रखना है, उसको मत भूलना बेटा। अगर आप बोर्ड मास भूल गए कि पहले डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो आपके सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे बेटा। ठीक है, आपको बोर्ड मास का कोई फॉर्मूला है याद रखना है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बेटा अपन। इफ ए रिप्रेजेंट डिवाइड, ए है वो डिवाइड को रिप्रेजेंट करता है डिवीजन के साइन को, बी रिप्रेजेंट करता है प्लस के साइन को, सी रिप्रेजेंट करता है माइनस के साइन को, एंड डी रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लिकेशन के साइन को, देन इक्वेशन गिवन है आपने को 24a 6d 24a 6d 4b 9c 8, फाइंड आउट व्हाट विल बी द आंसर। ठीक है, 24 का देखो बेटा, 24 यहां पे एज इज आ जाएगा। ए अपने किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, डिवाइड के साइन को, 6 का 6 आ गया। डी किसको रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लिकेशन के साइन को 4। डी किसको रिप्रेजेंट करता है अपने, प्लस के साइन को, ठीक है 9। सी किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, माइनस के साइन को 8 इज इक्वल टू क्या आएगा वो देखो। ठीक है, 24 को अगर आप 6 से डिवाइड करते हो, 4 × 4 + 9 − 8। अब अपन मल्टीप्लिकेशन के साइन को सॉल्व करते हैं, 4 × 4 = कितना होता है बेटा, 16 + 9 − 8, ये हो गया यहां पे का 16, और 9 को अगर आप प्लस करते हो, ठीक है 16 और 4 कितना हो गया, 16 और 4 हो गया 20। ठीक है, 20 और नीचे बच गया 5, 25 − 8, अपन इसमें से 8 लेस कर देंगे अब। ठीक है, ये देखो अपन 8 लेस करते हैं इसे, हो गया। ठीक है, तो ये बेटा अपना इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये बेटा आपने इसका आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पे आंसर हुआ। ये देखो यहाँ पे प्लस का साइन था बेटा, ये यहाँ पे प्लस का साइन था, गलत हो गया था थोड़ा सा, है ना। देखो तो वही था, ए तो डिवाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी प्लस को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, डी मल्टीप्लीकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इक्वेशन गिवन थी 24 का 24, ए की जगह डिवाइड 6, डी की जगह मल्टीप्लाई लगा दिया जैसा इक्वेशन में गिवन है, 4 का 4, डी की जगह प्लस लगा दिया जैसा इक्वेशन में गिवन है, सी की जगह माइनस लगा दिया जैसा इक्वेशन में गिवन है। तो वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। ठीक है, 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 4 + 9 − 8, 4 × 4 = 16 + 9 − 28, 25 − 8 = 17 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए अपन इतना ही करेंगे बेटा, बाकी के जो क्वेश्चन है उनको अपन कल सॉल्व करेंगे।